Welcome back. This is the topic communication and networks. Now we discuss with the networks. What is network? A collection of computer and devices connected through communication devices and the transmission media. Basically, हमारे पास network क्या है? ये collection of computer हो सकता है, आपके पास devices हो सकते हैं जो आपस में क्या हो, connected हो. Through किसके हो सकते हैं? या तो कोई transmission media हो सकता है, आपके पास कोई wire हो सकती है, या दूसरा option हमारे पास क्या हो सकता है कि या हमारे पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मोबाइल फोन हो सकता है, हमारे पास कोई भी लैपटॉप हो सकता है. इस तरह की कोई भी चीज होगी वो हमारे पास क्या होंगी, डिवाइसेस होंगी. उनको जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा. और उस नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड कर सकते हैं. अब बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास ए यूजर है, एक यूजर है, ये बी यूजर है. अब इन दोनों यूजर ने आपस में जब कम्युनिकेट करना है, आपस में इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए जिस मीडियम के थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, या तो ये हो सकता है कि इसके इसको और इसके दरमियान हम लोग क्या करें, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे. हमने एक वायर, ट्रांसमिशन मीडिया जिसे वायर कहते हैं, यहाँ पे हमने एक वायर लगा दी. अब उस वायर के थ्रू हम लोगों ने इनको क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया. जैसे हमने अब वायर के थ्रू इनको आपस में कनेक्ट किया, इसका मतलब है ये लोग क्या अपनी इन्फॉर्मेशन अब इस वायर के थ्रू, अगर ए ने कोई चीज सेंड करनी है तो वो इस वायर के थ्रू बी को सेंड कर देगा, अगर बी ने कोई चीज सेंड करनी है तो वो इसके थ्रू किसको करेगा, बी के थ्रू ए को सेंड कर देगा. लेकिन बीच में ट्रांसमिशन मीडिया इसमें क्या है, हमारे पास वायर है. ये दूसरा ये हो सकता है कि ए के पास एक मोबाइल फोन हो या बी के पास एक मोबाइल फोन हो, इनके दरमियान जो एक्सेस हो वो थ्रू क्या हो, इंटरनेट हो. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी हो और इनके आपस में क्या हो, इंटरनेट की इनके पास फैसिलिटी हो. जैसे इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो ये इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब सेंड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा. अब इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क. हम लोगों ने नेटवर्क को भी डिवाइड करके रखा है. हमारे पास एक लोकल एरिया आता है, एक मेट्रोपोलियन आता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क आता है. सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क लैन. नेटवर्क इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम और ऑफिस बिल्डिंग. बेसिकली जब नेटवर्क को हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं कि कितने एरिया पे है, किस वाइड के लिए यूज किया जा रहा है, किस रीजन के लिए यूज किया जा रहा है, उसके बेस पे हम लोग अपने नेटवर्क को डिवाइड कर रहे होते हैं. तो नेटवर्क हमारे पास क्या कर रहा है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया. इसमें हम लोगों ने अपना एरिया जो जियोग्राफिकली एरिया है उसको लिमिटेड कर दिया, सच एज होम और ऑफिसेज और बिल्डिंग्स. हमारे पास जैसे होम में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है या बिल्डिंग में हो सकता है. इन सिंपल जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी में, अब यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है वो आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के बाहर यूज नहीं कर सकते. वो बेसिकली आपका क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है. सेकेंड आता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग मैन कहते हैं. कनेक्ट लैंड इन अ सिटी और अ टाउन. ये बेसिकली क्या है, लैंड से थोड़ा सा अपाव है. लैंड क्या हो गया, हमारे पास हमारे घर में हो गया या हमारी यूनिवर्सिटी में हो गया. अब यूनिवर्सिटी जो नेट असेस करी है वो किसी ने किसी पॉइंट से असेस करी है ना, वो जो पॉइंट है सिटी का कोई मेन पॉइंट सपोज कर लिया कि हमने सिटी का एक मेन पॉइंट है वहां से असेस करी. अब वहां से आपकी यूनिवर्सिटी में जो पॉइंट लाइन आ रही है, अब उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैन कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है. इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क. ये वाइड एरिया नेटवर्क इन द होल रीजन है. बेसिकली यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि वाइड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन या कोई इंटरनेशनल ऑफिस है, मोबाइल एम्प्लॉयज हैं, आपके पास ब्रांच ऑफिस हैं, कोई भी जितने भी ऑफिस हैं सारे एक दूसरे के साथ क्या है, थ्रू इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. अब इसमें बेसिकली जो वाइड एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क दैट कवर लार्ज जियोग्राफिक एरिया यूजिंग मैनी टाइप्स ऑफ मीडिया. अब यहाँ पे ये जो नेटवर्क है ये कवर कर रहा है लार्ज जियोग्राफिक एरिया. अब जिस तरह पूरी दुनिया के साथ हम लोग कनेक्टेड है तो वो भी क्या है, एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया. ये बेसिकली क्या है, पूरा एक लार्ज जियोग्राफिक है. अब यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट मीडियम है. फर्स्ट मीडियम इज सैटेलाइट, एक मीडियम सैटेलाइट है. दूसरा मीडियम आपके पास क्या है, इंटरनेट है. एक मीडियम आपके पास क्या है, आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्टेड किया गया है. अब ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट मीडियम्स हैं. अब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या कहते हैं, हम लोग डिफरेंट मीडियम्स को यूज कर सकते हैं. सैटेलाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं मीडिया के तौर पर, और दूसरा हम लोग वायर भी यूज कर रहे होते हैं. इंटरनेट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन. जो आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो रहा था ये बेसिकली सबसे बड़ा हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है. अब इस इंटरनेट की मदद से हम लोग पूरी दुनिया के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स.
आगे आता है व्हाट इज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. अब हमारे पास आता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क. अब हमारे पास नेटवर्क हमने क्रिएट कर लिया, उसको डिफरेंट टाइप से रेड कर दिया. अब हम आते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक्चुअली हमारे पास है क्या? वन आर मोर कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर एंड द अदर कंप्यूटर आर क्लाइंट एज एज अ सर्वर. हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मेरे यूज में है, मैंने इसको सर्वर क्रिएट कर दिया. ये कंप्यूटर एक स्टूडेंट के यूज में, ये दूसरे स्टूडेंट के यूज में, ये तीसरे स्टूडेंट के यूज में है. अब जो भी इंफॉर्मेशन, ये सर्वर है, अगर मैं कोई भी फाइल सेंड करती हूँ तो वो ए के पास भी जाएगी, बी के पास भी जाएगी और सी के पास भी जाएगी, या ये प्रिंटर है यहाँ पे. तो ये सारी बेसिकली मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या, एक सर्वर बना लिया. अब सर्वर के बाद सारे के सारे ये आप सब क्या थे, मेरे क्लाइंट थे. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, जैसे मुझे रिक्वेस्ट करोगे मैं अप्रूव करूंगी, तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी. तो ये क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट होता है. इन सिंपल के तौर पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्रिंटर है, हमारे पास प्रिंटर है. अब इस सर्वर, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इन तीनों सिस्टम्स को चाहिए, तो हम लोगों ने एक क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट बना लिया. इसको वायर के साथ एक सब सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर दिया. कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा उसको इंटरनेट, ये प्रिंटर जो है वो इजीली एक्सेस हो जाएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है. इसके बाद आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क. जो पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे कनेक्टेड किया जाता है, हम लोग एक दूसरे को सिस्टम्स के साथ कनेक्ट किया कर देते हैं, थ्रू वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और थ्रू इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, फाइल कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन द सिस्टम ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्विस. इसमें क्या है, हम लोग के पास कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं चाहिए होता, बल्कि सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होते हैं, अपने सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इजिली शेयर हो सकती है. सिंपल नेटवर्क डेट कनेक्ट फ्योर देन द 10 कंप्यूटर. इसमें बेसिकली जो पीयर टू पीयर होता है, इसमें हम लोग कहते हैं मोर देन 10 कंप्यूटर्स या 10 कंप्यूटर्स ही अलाउ होते हैं, इससे ज्यादा कंप्यूटर नहीं होते, क्योंकि ज्यादा वायर के साथ कनेक्ट करो तो आपके जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है. Each computer or a peer has equal capability. अब ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंटर एक्सेस करना है, अब प्रिंटर एक्सेस करना है, ये सिस्टम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर. अब हर एक के पास इक्वल कैपेबिलिटी है, ये जितना एक्सेस कर सकता है उतना ही एक्सेस करेगा, ये जितना एक्सेस करता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, हमने लिमिट कर दी कि सिर्फ 2 पेजेस प्रिंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये वाला भी सिर्फ 2 पेजेस प्रिंट करेगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. क्यों, हमने इनकी क्या कर दी, इक्वल कैपेबिलिटी कर दी कि ये सारे के सारे इक्वल है. इसके बाद आता है व्हाट इज द इंटरनेट पीयर टू पीयर नेटवर्क. इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट पीयर टू पीयर नेटवर्क आता है. अब अभी हमने पढ़ा है लोकल पीयर टू पीयर, जिसमें हम लोगों ने क्या है, थ्रू वॉइस कनेक्ट कर दिया था. अब हम लोग थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरनेट के तौर पे कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क शेयर होती है. ये बेसिकली योर हार्ड डिस्क, आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क है, ये हम लोग क्या करें, शेयर करें, और ये बेसिकली इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग शेयर करें. अनेबल है यूजर टू कनेक्ट ईच अदर्स हार्ड डिस्क एंड एक्सचेंज फाइल डायरेक्ट. इसमें क्या, हम लोग अपने यूजर्स को अनेबल कर देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और अपनी फाइल्स को डायरेक्टली शेयर कर सकें. जिस तरह हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के सिस्टम को असेस कर सकते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को असेस कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम लोग एक दूसरे की फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली शेयर कर सकते हैं. इसके बाद आ जाती है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज. हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं, लेआउट ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, हमारे पास कौन कौन से लेआउट हैं. अब जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास हमें किस टाइप का नेटवर्क चाहिए, हमारे पास डिवाइसेस कौन सी हैं, हमारा सिनेरियो क्या है, हमें ह्यूज चाहिए, स्मॉल चाहिए, जिस तरह भी चाहिए, हम लोग उसके बेस पे अपने सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे इस एरिया में कौन सी टिपोलॉजी यूज होनी चाहिए. पॉपुलर टिपोलॉजीज, हमारे पास पॉपुलर टिपोलॉजीज हैं, जिसमें बस है, रिंग है, स्टार है, इसके अलावा मैश टिपोलॉजी भी आपके पास है, हाइब्रिड टिपोलॉजी भी आपके पास है. बस नेटवर्क, सबसे पहले हम लोग बस पे आते हैं. All computer devices connect to a central cable are bus. इसमें क्या, बेसिकली हमारे पास जितने भी कंप्यूटर हैं, वो हमारे पास एक सेंट्रल केबल की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अब जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये एक सेंट्रल केबल है, इस सेंट्रल केबल की मदद से हमारे पास हमारे सारे सिस्टम्स को क्या है, इंटरनेट नेटवर्क जो है उसका शेयर किया जा रहा है. अब ये सारे के सारे जो भी नेटवर्क एक्सेस करें थ्रू सेंट्रल केबल ही एक्सेस करें. जिस तरह हमारे पास लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आपस में क्या है, वायर से कनेक्टेड है. तो वहां पे हमारे पास बेसिकली जो नेटवर्क है वो बस नेटवर्क है. इसके बाद आता है रिंग नेटवर्क. इसमें हमारे पास बस नेटवर्क में एक हमारे पास आता है ड्रॉबैक भी आता है. अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे इस सिस्टम की वायर डैमेज होती है तो जस्ट इस सिस्टम को नेटवर्क एक्सेस नहीं होगा. हाँ, अगर हमारे पास मेन लाइन हमारी डैमेज हो जाती है तो हम लोग के पास किसी भी सिस्टम को इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता.
ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क क्या है? बेसिकली ये क्या है, रिंग बनी हुई है जिसका रिंग सर्कल में होती है। कि ये सिस्टम अगर फॉर एग्जांपल वन है, वन टू से कनेक्टेड है, टू थ्री से कनेक्टेड है, थ्री जो है वो फोर से कनेक्टेड है, और जो फोर है वो वन से कनेक्टेड है। इसमें क्या मसला है, अगर फर्स्ट वन ने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वो पहले टू को सेंड कर जाएगी, टू से थ्री को जाएगी, थ्री से फोर के पास जाएगी। एंड सपोज अगर वन ने हमारे पास फोर वाले को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी तो वो वन से पहले टू जाएगी, टू से थ्री, थ्री से फोर पे जाएगी, फिर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह अगर फोर ने टू को सेंड करनी है तो वो फोर से पहले वन पे, वन से पहले बाद में टू के पास जाएगी। केबल फ्रॉम अ क्लोज रिंग, यहाँ पे ये बेसिकली एक क्लोज रिंग बन रही है, लूप है, ये बेसिकली एक लूप है। विद ऑल द कंप्यूटर आर डिवाइसेस अरेंज अलोंग अ रिंग, हमारे पास सारे सिस्टम जो है हमारे पास क्या है, अरेंज किए गए अलोंग अ रिंग, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। डेटा ट्रैवल फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस अराउंड द एंटायर रिंग इन वन डायरेक्शन, इसमें क्या है कि हमारे पास जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन पे हो रहा है। अगर वन से फोर पे डायरेक्शन, अगर ये वाली डायरेक्शन हो कि वन से पहले फोर पे जा रहा है, तो इसका मतलब वन से फोर, फोर से थ्री, थ्री से टू एंड टू से वन पे जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह क्या है, वन से टू पे जा रहा है, टू से थ्री पे, थ्री से फोर पे, एक ही लाइन में। अगर मैंने फोर तक भी अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो मुझे पहले अपना जो डेटा है वन से टू वाले सिस्टम को भेजना पड़ेगा, टू से थ्री वाले सिस्टम को भेजना पड़ेगा, थ्री से फोर वाले सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जाएगी वो वन से। अब इसमें क्या है, हमारे पास अगर दरमियान में कोई भी इन दोनों का, वन और टू का आपस में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं भी सेंड नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है कि दरमियान में अगर किसी भी रेंज पे हमारे पास कोई भी सिस्टम की डैमेज हो जाता है तो हम लोग एक अपनी इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड नहीं कर सकते, हमारा पूरा एंटायर जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज स्टार नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास स्टार नेटवर्क आ जाता है। स्टार नेटवर्क क्या है, ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड हब। यहाँ पे क्या है, हमने एक बीच में डिवाइस यूज करना स्टार्ट कर दी जिसको हम लोग बोल रहे हैं हब बोल रहे हैं। अब इस डिवाइस के थ्रू हमने सारे के सारे सिस्टम्स को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। जिस तरह हमारे पास घरों में अगर मोडेम नहीं हो, हमारे पास इंटरनेट आता है, इंटरनेट उस मोडेम में फिक्स कर दिया जाता है। जैसे फिक्स किया जाता है आगे पूरे के पूरे सिस्टम्स को डिफरेंट एक्सेस, हर सिस्टम के साथ उसमें वहाँ पे फोर ऑप्शंस होती हैं, फोर ऑप्शंस के साथ वायर्स लेके कनेक्ट करते हैं। अगर एक सिस्टम की खराब होगी तो सिर्फ उसी सिस्टम का नेटवर्क खराब होगा, दूसरे का नहीं होगा। और इसी तरह वाईफाई भी हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। All data transfer from one computer to another passes through hub. यहाँ पे basically क्या है, अगर आप लोग मैं अगर modem की आपके पास example दे रही हूँ तो वहां पे भी क्या है, modem क्या है basically आपके पास intermediator है, वहाँ सारे इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस modem के पास आ रही है, modem से आगे आपके पास शेयर हो रही है। इसी तरह यहाँ पे जो हब है बेसिकली हब क्या कर रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हब के पास आएगी, हब के हब ट्रांसफर करेगा अगले किसी भी कंप्यूटर को सेंड करने। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास कंप्यूटर नंबर वन है, ये मेरे पास क्या है कंप्यूटर नंबर फोर है। कंप्यूटर वन ने फोर को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं करेगा, वो वन से पहले किस पे जाएगी, हब के पास जाएगी। हब से वो क्या करेगा, हब चेक करेगा कि कौन से कंप्यूटर का एड्रेस है, अगर फोर का एड्रेस है तो वो फोर को इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर देगा। इसी तरह अगर थ्री को करनी होगी, थ्री को या किसी और सिस्टम को सेंड करनी होगी तो वो सेंड हो जाएगी। लेकिन सारी रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास आएगी, हब के पास आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल फोर ने वन को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो फोर सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा हब को कि मुझे वन को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, वो इन्फॉर्मेशन फिर हब लेगा और हब से आपके वन वाले सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास हब डैमेज हो जाता है, हब की वर्किंग खराब हो जाती है, कुछ भी खराब हो जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज एन इंट्रानेट। ये बेसिकली थ्री टर्मिनोलॉजीज है, इंटरनेट, INTER, NET, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट। ये थ्री डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। इंटरनेट बेसिकली क्या है, इंटरनल नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। इंटरनली कोई नेटवर्क क्रिएट किया गया है वो थ्रू इंटरनेट ही है, वो सिर्फ इंटरनल पे यूज हुआ जा रहा है। दूसरा क्या, मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू एम्प्लॉयज, वो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए एक्सेसिबल है। टिपिकली इंक्लूड अ कलेक्शन टू इंटरनेट, ये बेसिकली इसमें इंटरनेट के कनेक्शन भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो प्रॉपर मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली जो इंटरनेट होते हैं, इंटरनेट इज अ शेयर्ड कंटेंट एक्सेस्ड बाय अ मेंबर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट हम लोग सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यूज करते हैं। इन सिंपल के तौर पे जिस तरह हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास एक वेबसाइट है। अब सपोज आउटलेट है, कोई भी आउटलेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, किसी भी ब्रांड का आउटलेट है। इन सिंपल अगर आप लोग खादी इज अ फेमस आउटलेट है, खादी
आउटलेट है, अब वहां पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है वो क्या बेसिकली होती है, अगर आपके पास डेटा जो भी शो हो रहा होता है वो आपको शो हो रहा होता है, उसके बैकएंड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं पता। इससे पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं, जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन है, वो उन्होंने एक अपना नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। अब उस नेटवर्क में वो कितने उसके पास क्लॉथ्स हैं, कितने रिमेनिंग है, कितने, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ उस एम्प्लॉयज को पता चल रही है, आपको नहीं पता चल रही। वो जो यूज कर रहे हैं उन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, उसको हम लोग इंटरनेट कंसीडर कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा नेट क्या है, अलाउ अ कस्टमर आर सप्लाई टू असेस अ पार्ट ऑफ कंपनी इंटरनेट। इसमें क्या है, हम लोग कुछ असेस दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, कि वो कंपनी का इंटरनेट के तौर पे यूज करे, वो इंफॉर्मेशन लिमिटेड होगी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ड्रेसेस हैं वो 4 लिमिटेड है, अब ये 4 मेरे पास कंपनी को शो हो रहे हैं। हाँ, आपको जो शो हो रहा है, आपको जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा वो क्या होगा, आपके पास सिंपल एक पिक्चर होगी, आप परचेज करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो वो आप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो वो क्या है, एक्स्ट्रा नेट है, उसने भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो करवाया जा रहा है कि आपकी ये ड्रेस है, ये ड्रेस आपके पास कितने आपने लेनी है, कितने नहीं लेने। बेशक आपकी स्क्रीन पे आपके ऊपर 2 शो रहा है, जो लेफ्ट है वो 2 है, वो क्या किया, उसने अपनी कंपनी वालों ने क्या किया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। एक्स्ट्रानेट अगर बेसिकली कहा जाए, एक्स्ट्रानेट इज अ शेयर्ड कंटेंट एक्सेस बाय अ ग्रुप थ्रू अ क्रॉस एंटरप्राइज। जो आपकी एंटरप्राइज है उसे थोड़ा सा बाउंड हो जाती है इंफॉर्मेशन, और जो इंटरनेट होता है वो ये क्या करते हैं, थ्रू द कम्युनिकेशन एक्सेस थ्रू द वेब, जो हमारे पास टोटली वेब से कम्युनिकेशन आ रही होती है उसको हम लोग बेसिकली इंटरनेट बोल रहे होते हैं। अगर इंटरनेट के एग्जाम्पल के तौर पर लिए जाए, हमारी आपकी यूनिवर्सिटी, अगर देखो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारे पास नेटवर्क आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने अपना एक छोटा सा इंटरनली नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें आपको फेसबुक अलाउ नहीं है, आपको यूट्यूब अलाउ नहीं है, आपको व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, इस तरह की कुछ चीजें आपको अलाउ नहीं की गई। हाँ, थोड़ा सा बाहर आते हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा नेट के तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ उन्होंने हमें अलाउमेंट दे दी गई है कि आप लोग ये चीजें यूज कर सकते हैं, ये चीजें यूज नहीं कर सकते। अगर इंटरनेट पे आ जाए तो हम हर चीज इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इंटरनेट, एक्स्ट्रा नेट और हमारे पास क्या है, इंटरनेट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है TCP/IP and 802। TCP/IP जैसे मैंने आपको पिछले इंटरनेट लेक्चर्स में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि ये हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपका जो भी डाटा होता है उसको ब्रेक कर रहे होते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस और पैकेट्स में। अगर मेरे पास ये वाला डाटा है, इतना बड़ा डाटा है, तो इसको जब मैं इंटरनेट के ऊपर सेंड करूंगी तो वो इसको सबसे पहले टीसीपी जो है ये इसको क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद फिर इनको पाथ पे इंटरनेट पे सेंड करेगा, फिर वो दूसरी डिवाइस के साथ पास कनेक्ट हो गया। इसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली एड्रेसेस गिवन होते हैं और पार्ट्स के पोर्शंस गिवन होते हैं, कौन सा पार्ट्स है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो टीसीपी है ये आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट बेसिकली प्रोटोकॉल है जिसमें हमें बताया जाता है कि आपका जो डाटा है वो कैसे सेंड होगा। इस टीसीपी में एक फायदा होता है कि हमें एंड पे एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि हमारे पास, हमें अगर किसी भी चीज, मैंने कोई मेल भी आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप मेल कोई सेंड करती हूँ तो उसमें मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपका जो भी मेल है वो आपके मैसेज जो है वो सेंड हो चुका है। कम्युनिकेशन यूज फॉर इंटरनेट ट्रांसमिशन, ये कॉमनली हम लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर इंटरनेट इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए। और 802.11 इज द फैमिली, ये बेसिकली हमारे पास एक फैमिली है स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन, हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फैमिली है। इसके बाद आ जाता है ब्लूटूथ। व्हाट इज अ ब्लूटूथ, शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द ब्लूटूथ डिवाइसेस। ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स होती हैं जो ट्रांसमिट कर रही होती हैं डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान। अब ब्लूटूथ के अंदर अगर आपने अपने ब्लूटूथ है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे, अगर ये डिवाइस यहाँ पे है तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके ब्लूटूथ के थ्रू सेंड ना हो। हाँ, अगर ये डिवाइस यहाँ पे है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम लोग इजिली यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर दरमियान में कोई भी हर्डल आ जाता है तब भी आपकी ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो डेटा इजिली सेंड नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ब्लूटूथ से थ्रू अगर हम लोग कोई भी सॉन्ग्स या मूवीज या पिक्चर्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो मूवीज वहाँ पे शेयर नहीं हो सकते, अगर सॉन्ग्स भी शेयर करें अगर वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के तो वो शेयर नहीं होता, लेकिन अगर शेयर कर भी रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए हम लोग फिर इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क से तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करें।